बिसम रिम अलैक्म एब्रीबान आई होप यू आर आर वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर ट्वेल्व एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने मार्क किया है सही हमने कल जो पढ़ा था आप लोगों को याद होगा अच्छा आप दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं बात कर रही हैं दरिया के किनारे पर और um, Uh, गुल और अली जो है मतलब अपनी फाइट के बारे में वो बात कर रहे हैं सही या वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस हाँ हम दोनों जानते हैं कि उकाड़ी में सिर्फ बेहतर uh, कि उकाड़ी में बेहतर शख्स जीतता है वी बोथ नो हम दोनों जानते हैं दैट इन द रिंग कि उकाड़ी में द बेटर मैन विंस बेहतर शख्स जीतता है फ्रेंड और नो फ्रेंड दोस्त हो या ना हो ब्रदर और नो भाई हो या ना शुक हैंड्स हाथ मिलाए या इन्होंने हाथ मिलाए टू कन्फ्रंट इच अदर इन द रिंग और उड़ी में एक दूसरे का सामना करने के लिए आ, जुदा हुई सही जुदा होना भी डिपार्टेड सही आता है या रुख सत होना भी सही आता है कन्फ्रंट सामना करना रिंग उकाड़ा सही शुक शेख का सेकेंड फॉर्म है मिलाना सही हैंड्स उन्होंने हाथ में लाई एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट इच अदर इंदरिंग और उकाड़ी में एक दूसरे का सामना करने के लिए रुखसत हुई वॉकिंग द स्ट्रीट्स हैड नॉट रिलैक्सड अली गलियों में चहलकदमी करती हुई अली को वो सकुन नहीं आया वॉकिंग चहलकदमी जाना चल चलना सही गली गल, गली में जाती हुई गलियों में जाती हुई या गलियों में चल कदमी करती हुई अली को सुकून नहीं आया रिलैक्स मतलब सुकून द मोर ही थाट अबाउट द फाइट जितने ज़्यादा वो अम, लड़ाई के बारे में सोचता द मोर परप्लेक्सड ही फैल्ट उतनी ही ज़्यादा वो परेशानी महसूस करता या उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा वो उलझन महसूस करता परप्लेक्सड उलझन या परेशान परेशानी लॉस्ट इन थॉट्स ही लेट हेम सेल्फ कॉक्ट हिज अपार्टमेंट लॉस्ट इन थॉट्स सोचों या ख्यालों में गुम लॉस्ट गुम थॉट ख्याल ख्याल या सोच ऐसे ही ख़यालात या सोचों में गुम ही लेट हेम सेल्फ क्वालिंग इन टू अपार्टमेंट वो खामोशी से अपने घर गया या अपने अपार्टमेंट में गया एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड और सीधा अपने कमरे की तरफ गया फॉलिंग इन टू अ रेस्टलेस एंड फिटफुल स्लीप विद साउंड ऑफ द गोंग फॉर राउंड वन फॉलिंग इन टू आर रेस्टलेस एंड फिटफुल रेस्टलेस एंड फिटफुल मीन्स बेकरारी और बेसकूनी बेकरारी और बेसकूनी की नींद वो सोया जिसमें उसने राउंड वन की घंटी की आवाज़ जिसमें वो राउंड वन की घंटी की आवाज़ सुन रहा था सही मतलब वो ऐसे सो रहा था जैसे कि मतलब जब बहुत ज़्यादा परेशान था तो बार बार वो उसकी जहन में जो थी वो बार बार वो पिक्चर आ जा रही थी या वो सीन जो था वो उसकी जहन में आ रहा था कि राउंड वन स्टार्ट है और वो घंटी की आवाज़ सब कुछ उसकी जहन में था सही गोंग यहाँ पर जो है इट मींस मतलब घंटी सही राउंड वन जो आ, रिंग में जो बॉक्सिंग की वो राउंड्स होते हैं यहाँ पर इसका मतलब ये है वेन गुल रीच्ड होम ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप अच्छा अब गुल की हालत कैसी थी जब वो घर पहुंचा वैन गुल रीच्ड होम जब गुल घर पहुंचा ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप वो सीधा चत पर चढ़ गया या वो चत पर चढ़ गया सही रूफ़ टॉप मच छत इन द क्वाइट अर्ली डार्क शाम की तारीकी में खामोश तारीकी में इन द क्वाइट मतलब खामोश अर्ली डार्क शाम का वक्त होता है इन द क्वाइट अर्ली डार्क शाम की खामोश तारीकी में ही पियर्ड बिलो पियर्ड मीन्स झांकना से देखना या झांकना ही पियर्ड बिलो उसने नीचे देखा बियर द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लिंक्ट जहाँ पर शहर की रोशनियाँ जगमगा रही थी ब्लंक् मतलब जगमगाना लाइट्स रोशनियाँ बिलो मतलब नीचे एंड द साउंड्स ऑफ कार्स मिंगल विद द शाउट एंड द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट और गलियों में सॉरी और गाड़ियों की आवाज़ गलियों में uh, बच्चों की शोर बच्चों की चीखों और uh, हंसी की आवाज़ के साथ गुल मिल रही थी से एंड द साउंड ऑफ कार्स और गाड़ियों की आवाज मिंगल मतलब गुल मिलना विद चीखें एंड लाफ्टर हंसी ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट गलियों में बच्चों की सही तो क्या आएगा इसका ट्रांसलेशन शाम की शाम की तारीख या शाम की खामोश तारीखी में शाम की खामोश तारीखी में उसने नीचे देखा जहाँ पर शहर की रोशनियाँ जगमगा रही थी और गाड़ियों की आवाज़ गलियों में बच्चों की चीखों और हंसी के साथ गुल मिल रही थी सेम हीज़ पासिंग सम हैवी टाइम ऑन हेज़रूफ टॉप वो अपनी छत पर हैवी टाइम मतलब मुश्किल वक्त वो अपनी mm, uh, या परेशानी का वक्त भी कह है सकते हैं वो अपने छत पर परेशानी की साथ वक्त गुजार रहा था या उसका वक्त छत पर परेशानी के साथ गुजर रहा था हाउ वुड द कमिंग फाइट अफेक्ट हिज़ रिलेशनशिप विद अली मतलब वो इसके बारे में सोच रहा था पर परेशान था कि हाउ वुड द कमिंग फाइट आने वाला मुकाबला किस तरह आ, अफेक्ट असर डालेगा हिज रिलेशनशिप विद अली उसकी अस, आ, अली के साथ ताल्लुक पर सही आने वाला मुकाबला उसकी अली के साथ ताल्लुक पर क्या असर डालेगा अच्छा आ, अफेक्ट मींस असर डालना सही इफ़ेक्ट जो ई से स्टार्ट होता है वो एज अ नाउन यूज़ होता है और से जो यहाँ पर से ये एज़ अ वर्ब यूज़ होते हैं असर डालना इफेक्ट असर इफेक्ट अफेक्ट मतलब असर डालना सही As द टू climbed into the ring, रिंग द क्राउड एक्सप्लोडेड विद roar. Kul and एंड both bowed gracefully and एंड raised their arms आर्म्स इन Acknowledgement. एक्नॉलेजमेंट अच्छा यहाँ पर अब जो है आ, मतलब मुकाबला स्टार्ट है सही फ़ाइट स्टार्ट हो गया है मतलब वो रिंग की जो डिस्क्रिप्शन है आप लोगों को सॉरी जो मतलब वहाँ पर जो सिचुएशन है कि किस तरह उनका मुकाबला स्टार्ट हुआ किस तरह वो ये जो सारा फिर जो है वो उस मुकाबले की डिस्क्रिप्शन है कि किस किस तरह इन्होंने वो फाइट लड़ी सी तो पूरा इस फाइट के बारे में है ही तो यहाँ पर जो है अब फाइट जो है इनका जो मतलब जिसका विनर जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड लाइट बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करेगी तो यहाँ पर इनकी जो है वो फाइट स्टार्ट हो गई है इसकी इज इस अ टू क्लाइम्ड इन टू द रिंग जैसे ही दोनों उकाड़े में चढ़े क्लाइम्ब दाखिल होना या चढ़ना यहाँ पर दाखिल होना ज़्यादा सही आता है इज़ द टू क्लाइम्ब इं टू द रिंग जैसे ही दोनों उकाड़े में दाखिल हुए द कराउड एक्सप्लोर्ड वे द रोड हजूम की तरफ से शोर और चीखों की आवाज़ें आईं द कराउड एक्सप्लोर्ड वे द रोड रोड मतलब आ, चीखना चिल्लाना शोर और आ, यहाँ पर आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि हजूम शोर चीख और शोर शोर और चीख से मतलब गूंज उठा सही दोनों से आते हैं एज द टू इनटू टू रिंग जैसे ही दोनों उकाड़े में दाखिल हुई द क्राउड एक्सप्लोडेड वे द रोड हजूम की तरफ हजूम की तरफ से शोर चीख और चीख़ की आवाज़ें आई गुल एंड अली बहुत बॉफ्ट ग्रेसफुली अली और गुल या गुल और अली दोनों अच्छे अंदाज में झुके बॉफ्ट मीन झुकना ग्रेसफुली अच्छे अंदाज में या खूबसूरती से एंड देन रेस्ट देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट और फिर उन्होंने हाथ उठाई शुक्रिया की तौर पर एक्नॉलेजमेंट मतलब शुक्रिया की तौर पर आर्म्स यहाँ हाथ रेस्ट उठाना गुल ठांड स्लोली गुल आहिस्ता, सी, आहिस्ता सी से आहस्ता से मुड़ा सही एंड हिज आइज मेट और उसकी आंखें अली की आंखों के साथ मिली या उसके आंखें अली की आंखों से मिली सडनली अचानक अलीस लेफ्ट आई विंक्ट आ, अचानक अली की आ, बाई आंख जिपकी मतलब विंक means जिप जपकना सही जिपकी एंड गुल रिस्पॉन्डिड और गुल ने उसका जवाब दिया रिस्पोंडिड मीन जवाब देना सही रिंग जैसे ही दोनों उकाड़े में दाखिल हुई द क्राउड एक्सप्लोडेड वे द रोड शोर और चीखे या चीखो शोर से हजुम की तरफ से शोर और चीखे की आवाजें आई गुल एंड आली टर्न सॉरी गुल एंड अली बोथ बॉड ग्रेसफुली गुल और अली खूबसूरती सी दोनों खूबसूरती से झुके या दोनों अच्छी अंदाज में झुके एंड देन रेस डर आर्म्स इन एक्नोलेजमेंट और फिर शुक्रिया के तौर पर उन्होंने हाथ उठाए गुल ठंड स्लोली गुल आहि, आहिस्ता से मुड़ा एंड हिज आइज मैट अलीज़ और उसकी आंखें अली की आंखों से मिली सडनली अलीज लेफ्ट आई बेंट अचानक से अली की नाम. बाई आंक जिपकी एंड गुल रिस्पॉन्डेड और गुल ने उसका जवाब दिया भोंग 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 ये उस मतलब वो घंटी की आवाज़ है ठंड टन ठंड द रोर टर्न टू स्टिलनेस शोर खामोशी में तब्दील हुआ सही स्टिलनेस खामोशी एंड टर्न चेंज होना तब्दील होना रोड शोर या चीख़ें सही शोर या चीख़ें जो हैं खामोशी में तब्दील हुई लेडीज एंड जेंटलमैन खातिन हजरा द अनाउंसर स्पोक स्लोली अनाउंसर मतलब ऐलान करने वाला स्पोक बोला स्पीक का सेकेंड फॉर्म है स्लोली आहिस्ता ऐलान करने वाले ने आहस्ता से बोला नाउ द मोमेंट वी वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर द मैन अच्छा द अनाउंसर स्पोक स्लोली ऐलान करने वाले ने अहिस्ता से बोला नाउ द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर सही अब वो लम्हा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे द मैन इवेंट बड़ा लम्हा या बड़ा मुकाबला बिटवीन टू फाइन यंग फाइटर्स दो बेहतरीन uh, खिलाड़ियों के दरमियान सही मतलब ये है कि अब वो लम्हा आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रही थी और ये कौन सा लम्हा है दो बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला से इन दिस कॉर्नर अब वो आ, उनको मतलब पॉइंट आउट करके वो बता रहा है कि इस कॉर्नर में गुल है और इस कॉर्नर में मतलब आ, आ, क्या है अली है और इनकी वेट भी बता रहा है इन दिस कॉर्नर मतलब उकाड़े की इस कोने में या इस कोने में वन थर्टी वन पाउंडस अहमद अली इस आ, कोने में अहमद अली है मतलब एक सौ इकतीस ना पौंड के साथ जिसका वजन एक सौ इकतीस पौंड है एंड इन दिस कॉर्नर और इस कोने में एक सौ इकतीस सॉरी एक सौ तैंतीस पौंड का गुल uh, शेर है सही द विनर विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द लाइटवेट कैटेगरी विनर मतलब जीतने वाला विल रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करेगा या पेश करेगा पाकिस्तान पाकिस्तान को इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दुनिया की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इन द लाइट वेट कैटेगरी कम वजन वाली कैटेगरी में सही जीतने वाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा दुनिया की लाइट वेट बॉक्सिंग दुनिया की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में लाइट वेट या कम वज़न वाली कैटेगरी में देर वर बी नो ड्रा इसमें कोई मैच ऐसा नहीं होगा जो बग़ैर फैसले की वो होगा ड्रॉ मीन्स कुरानदाजी भी कह सकते हैं सही कुरानदाज़ी सही आता है या ऐसा मैन जिस जो बग़ैर हर जीत के ख़त्म हो तो इसमें कोई कुरानदाजी नहीं होगी मैं द बेस्ट मैन वन खुदा करे कि अच्छा खिलाड़ी जीत जाए सही मैं द बेस्ट मैन खुदा करे बेहतरीन खिलाड़ी ये मुकाबला जीतें सही सही तो आई थिंक दिस मच वॉज सफिशंट ठीक है अल्लाह so,